हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है घुटनों को लेकर। घुटनों में अक्सर लोगों के दर्द होता है, कुछ लोगों के तो टक टक की आवाज़ आती है घुटनों में से, और मतलब चलने में भी प्रॉब्लम होती है। और घुटने में ही नहीं, हाथ की कोहनी में, घुटनों में जितने भी जॉइंट्स होते हैं सब में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और क्या होता है कि किसी किसी के तो पूरा पूरा बदन ही बहुत दर्द करता है, और कभी कभी क्या होता है कि आधे सर में बहुत दर्द होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जिसे रहती हैं उसके लिए एक रामबाण इलाज लेकर आई हूँ। और यकीन मानिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप इसको यूज करेंगे 15 से 20 दिन लगातार, तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि आपके शरीर का दर्द कितने हद तक कम हो चुका है। मतलब बहुत ही अच्छा है, जब आप इसको यूज करेंगे ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है ये ऐसा नुस्खा जो इतना कारगर है हर चीज़ के लिए, हमारी पूरी बॉडी के दर्द को खींच लेगा। ये बहुत ही अच्छा है, 100% इफेक्टिव है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। फिर मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसी तरीके से आप लीजिएगा, उसी तरीके से आप यूज कीजिएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बता देती हूँ मैं क्या है वो ऐसा नुस्खा जो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, एकदम आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को। और इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कि लगभग आपके किचन में ही मिल जाएंगी, और अगर नहीं मिलेंगी तो मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए 100 ग्राम सफ़ेद तिल, 100 ग्राम सफ़ेद खसखस और पुराना गुड़। जी हाँ, गुड़ पुराना ही लेना है, नया गुड़ नहीं लेना है। गुड़ जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। करना क्या है, खसखस को और तिल को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, और फिर इनको साफ करने के बाद आपको इनको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, अलग अलग करना है, मिलाना बिल्कुल नहीं है एक में। पूरी रेसिपी सुनिएगा आप, तभी आपको समझ में आएगा, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप इसको खाइएगा, इसका यूज कीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा। तो क्या करना है आपको, खसखस लेना है और लेना है आपको तिल। इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से साफ कर लेना है, इनको बीन लीजिएगा कहीं कुछ कूड़ा करकट तो नहीं है। उसके बाद आपको इन्हें ग्राइंड कर लेना है अलग अलग। फिर आपको क्या करना है, इसको एक डिब्बे में भरकर रख लेना है, अलग अलग ही रखना है, मिलाना बिल्कुल नहीं है। तो ये एक फाइन पाउडर बन जाएगा, और इस पाउडर को आपको किस तरीके से लेना है वो भी चलिए मैं बता देती हूँ। इसको लेना है आपको सुबह और शाम, दोनों टाइम आपको इसको यूज करना है। आपको क्या करना है, एक चम्मच लेना है खसखस का पाउडर, एक चम्मच लेना है तिल का पाउडर, और एक चम्मच लेनी है गुड़। गुड़ पुरानी ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीनों चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से। जब आप तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा नुस्खा बन के तैयार हो जाएगा। इसको खाना कैसे है ये मैं, थोड़ा थोड़ा पाउडर जो आपने ये जो नुस्खा बनाया है इसको आपको लेकर चम्मच में लेकर थोड़ा थोड़ा खाते जाना है। इसको खाना है, चबाना है, और फिर साथ में दूध पीना है। जी हाँ, साथ में दूध भी जरूर पीना है इसके, इसको खाली नहीं खाना है ऐसे, इसमें दूध भी पीना है आपको, साथ में चबाते जाना है और दूध पीते जाना है साथ साथ। बंद सिप आपको करनी ही है, एक चम्मच आपने खाया तो फिर आपने दूध पी लिया, इस तरीके से आपको ये करना है। आप डेली इसको कीजिए, आप सुबह शाम इसको डेली कीजिए, यकीन मानिए मैं 100% आपको बता रही हूँ कि आपके बदन का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपके अगर जोड़ों में दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, और आपके अगर आधे सर में दर्द रहता है तो उससे भी आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। हर चीज़ के लिए एकदम रामबाण है, बस जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप इसको यूज कीजिएगा, आपको 100% फायदा जरूर मिलेगा। देखिए, फायदा एक दिन में कभी नहीं मिलता है, 20-25 दिन आपको इसको रेगुलर करना ही पड़ेगा। जब आप रेगुलर किसी काम को करेंगे तो फायदा 100% मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी चीज में इतना जादू नहीं होता है कि वो एकदम इफेक्ट डाल दे। एकदम इफेक्ट डाल सकती है सिर्फ अंग्रेजी दवाइयाँ, तो वो डालती हैं तो वो हमारे इंटरनल पार्ट्स को भी खराब कर देती हैं। इसलिए ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं ये धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन काम एकदम
बढ़िया करते हैं, तो इसलिए आप घरेलू उपाय को जरूर अपनाया कीजिए। इसी तरीके की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।